राजनीति का नया ध्यास, सही लोकतंत्र का सही प्रयास। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को 500 जिलों में एक साथ जन आंदोलन रैली निकाली गई। बालाघाट में यह आयोजन अम्बेडकर चौक में हुआ। इस दौरान एपीआई बालाघाट के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रैली के रूप में नगर भ्रमण करते हुए जिला प्रशासन को विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया गया। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को 500 जिलों में एक साथ जन आंदोलन रैली निकाली गई। बालाघाट में यह आयोजन अम्बेडकर चौक में हुआ। इस दौरान एपीआई बालाघाट के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रैली के रूप में नगर भ्रमण करते हुए जिला प्रशासन को विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया गया। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से बालाघाट में पहली बार जल आंदोलन रैली निकाली गई। रैली अम्बेडकर चौक से शुरू होकर मेन रोड बालाघाट होते हुए हनुमान चौक के रास्ते जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, SCST पार्लियामेंट कमेटी के साथ ही UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया के नाम संयुक्त कलेक्टर मीना मसराम को विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया गया। इस रैली में प्रमुख रूप से बालाघाट एपीआई मध्य प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी यमलेश बंजारी, प्रभारी जिलाध्यक्ष संतोष चौरे, कविराज मेश्राम और आशीष बौद्ध सहित जिले भर से पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एपीआई ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के लिए सौंपे गए विस्तृत चार्टर में भारत के संविधान एवं मानव अधिकारों के तहत जाति भेदभाव एवं उससे निर्मित उत्पीड़न, गरीबी, पिछड़ेपन, विषमता को खत्म करने समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत में जाति भेदभाव के चलते प्रतिदिन 160 और प्रति घंटे 13.5 अपराध दलित आदिवासियों के साथ घटित हो रहे हैं। इसके लिए SCST अधिनियम 1990 और सिविल राइट्स अधिनियम 1955 को संशोधित कर उसे अधिक कारगर बनाया जा सकता है। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर आज एक विशेष चार्टर यहाँ पे जिला कलेक्टर के नाम से सौंपा गया है, क्योंकि यह चार्टर जो था 15 अगस्त 2016 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष API के विजय मानकर साहब के द्वारा प्रधानमंत्री, नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा गया था। इसमें 17 पॉइंट का चार्टर था। इसमें पहला तो एट्रोसिटीज़ के जो मामले हो रहे देश भर में, पर डे 160 और पर घंटे में 13.5, इस तरह के SCST पर अत्याचार हो रहा है। इसी तरह जाति मानसिकता को प्रसारित कर रही संस्थाएं, संगठन और अधिकारियों को दंडित कर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सकता है। उन्होंने इसके अलावा भारत की चुनावी व्यवस्था को भी बदलने की आवश्यकता बताई। वर्तमान चुनावी व्यवस्था अप्रतिनिधिक होने से गरीब, ईमानदार और नैतिक लोग चुनाव में भाग नहीं लेने से देश में भ्रष्टाचार, जाति पूंजीवाद और काले धन की समस्या होने का दावा किया। India wants API. India wants.